नहीं बना किसी से? परफेक्शन में आंसर आ रहा है। यस कितना आ कितना गया कितना आया बताओ, आंसर बताओ। सर। एक सर सर वाई इक्वल्स टू 1/2। नहीं, वाई इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक। बाकी लोग देखो कहाँ गड़बड़ कर रहा है सब कोई। पढ़ाई लिखाई करने लगी दीक्षा क्या तुम? दीक्षा सर आज ही पढ़ाई हुआ था स्कूल में, तो प्रैक्टिस किए थे सर आज। अच्छा, मुझे लगा तुम एनसीआर पढ़ाई पढ़ाई आज लिखाई ही शुरू हुआ, कर दी करना। हाँ सब्स्टिट्यूशन और सब कुछ सर आज कंप्लीट कर दिए स्कूल में। तो हम भी आज कंप्लीट करना ही सब कुछ। मोहतरमा सर नहीं बना, कहाँ गलती कर रहा है? एक का तो माइक ही बंद है। सुजोय सनी क्या हो गया? सनी गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? हाँ बीच में कुछ हो गया था, बना रहा हूँ। कोई नहीं सुजोय, कोई चलो मुझे पता है तुम लोग को इसके बारे में आइडिया है कैसे सॉल्व करना है, तो इसको आराम से सॉल्व करते रहना। कैलकुलेशन मिस्टेक फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा सुधार के रखोगे ठीक है? ओके चलिए आगे बढ़ते, फिर बताने की जरूरत नहीं है। इसमें करोगे क्या, सिंपली 1/2x+3y को यू एज्यूम कर लेना या ए ही एज्यूम कर लो, और 1/3x-2y को बी एज्यूम करके आगे बनाते चलते जाना ठीक है। इस पे कुछ और भी अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जैसे टाइप थर्ड देखते हैं हम लोग। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, ax+vy=c एंड vx+ay=d, तो क्या करना होता है किसी को पता है? अगर ax+vy=c और vx+ay=d है, इस तरीके का इक्वेशन है, तो क्या करोगे? सर एक बार ऐड कर देंगे, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ, फिर जो तो दो इक्वेशन इक्वेशन आ जाएगा। फाइनल निकल के आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। सबको पता था ये चीज, पता था ना सबको? बहुत बुलवाता है, एक बार में रिस्पॉन्स ही नहीं करता है यस कोई। ठीक सर, यस सर, यस सर। है तो इस पे एक क्वेश्चन करो। 47x+31y=63 एंड 31x+47y=15। 47, 31, 31 एंड 47, ये 31 है। सर x2y-1। एक्स कितना? 2y-1 ठीक है, ये आंसर आना चाहिए सबका। रीजन कर देना सब कोई।
डिसेंट करते चलो, जिससे बन गया। सर एक बार प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर फिर दो इक्वेशन आएगा ना, हाँ सर उन दोनों को सॉल्व करना, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, फिर वहां से जो दो इक्वेशन निकल के आएगा उसको सॉल्व कर लेना। कभी भी इस फॉर्म में रहेगा, ax प्लस by इक्वल टू c एंड bx प्लस ay इक्वल टू d, मतलब x का कॉफिशियंट और y का कॉफिशियंट दोनों इक्वेशन में इंटरचेंज किया हो रहेगा, तो ऐसा सिचुएशन में एग्जाम। तुम्हारा बढ़ाई क्या कर दिया, तू फिर पूछने लग गई क्वेश्चन, नहीं हुआ पढ़ाई ये चीज। नो सर, सर सब्स्टिट्यूशन तक हुआ था तो मैंने एलिमिनेशन तक पढ़ा था बस। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, बन गया सबसे, देख लो दीक्षा, डिस्कस कर देना है, समझना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जब एक्स का कोफिशियंट और वाई का कोफिशियंट इंटरचेंज किया हुआ रहे तो क्या करना होता है ऐसे में, तो जैसे दोनों इक्वेशन ऐड करेगी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, 78x प्लस 78y इक्वल्स टू, ये भी कितना हो जाएगा 78, ठीक है, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट को इसको और कॉमन ले लेना, तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम करना, दोनों सब्ट्रैक्ट करो तो ये 16x और ये कितना हो जाएगा माइनस 16y, 16 ही ना, और इधर कितना आएगा, फिर यहां से क्या कॉमन हो जाएगा 16, तो x माइनस y इक्वल टू 48, तो x माइनस y इक्वल टू 3, इन दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है, समझ में आया। अच्छा चलो ठीक है, एक इसका आखिरी टाइप 4 पे हम मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा इस पे, 8v माइनस 3u इक्वल्स टू 5uv, ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन 6v माइनस 5u इक्वल्स टू माइनस 2uv, इन दोनों को सॉल्व करना है, करो, u और v का वैल्यू निकालना है, जिससे बन जाएगा अच्छी बात है, बनाते चलो।
सर यू का वैल्यू 22/31 और वी 11/23। यू का वैल्यू कितना? 22/31। अच्छा, और वी का? 11/23। Okay, पता नहीं, आंसर तो है नहीं मेरे पास, बाकी लोग से देख लेते हैं। हाँ सर, यही आंसर मेरा भी आ रहा है। यही आ रहा है, तो डाउट था क्या आंसर पे? कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं? चलो ठीक है, सनी का आ गया, क्षितिज का आ गया एंड सुजोय का आया, बाकी दो लोग तीन लोग, शुभम आ गया, प्रिया घोषाल आ गया, दीक्षा रानी एक तुम ही बच रही है। बता दे क्या क्या करना है। बन गया, आ गया आंसर यही? यस सर। बहुत मेहनत की लग रहा है, एकदम थक गई। यस सर। चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, आ गया तो। अगर तीन इक्वेशन रहता है, जो शायद ही तुम लोग से पूछे, कम चांस है पूछने का, बट अगर तीन इक्वेशन रहेगा तो सॉल्व कर लेगा तू लोग? बताओ। यस सर। क्या करना yes, होता sir. है, सबको आइडिया होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये नहीं पूछेगा बोर्ड वगैरह में, बट देख लो अगर किसी से बनता है तो बना जाओ इसको, आसान है, इसमें भी कुछ नहीं करना होता है। जैसे 2x-y = 4, y-z = 6 एंड x-z = 10, ये तीन इक्वेशन है, तीनों में x, y, z का वैल्यू निकालना है, करो। दीक्षा कहीं डाउट? नो सर, बना लूंगी। बनाओ। प्रिया घोषाल? यस बन जाएगा। ओके। शुभम? बन जाएगा ना? हाँ सर। चलो ठीक है, बनाओ 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 ये, फिर हम कुछ और भी क्वेश्चन देंगे। x = 1, y = -3, z = -9। आने दो, सबका आंसर कॉमन देख लेंगे क्या है। तुम अपना आंसर बोलो, क्या बोले? x = 1, 1, y - 3, -3, 3 and z - 9, x = 1 ले आया गधा एक। सर मेरा x = x, x0, y - 4, z - 10। x = y - 4, z - 10। x का वैल्यू तुम 1 ले आया, देख लेते हैं एक बार, इसमें पुट कर लेना। तो नहीं नहीं सर, वो ठीक है सर, सेकंड वाला ही ठीक है, हम गलती से 2x - y को 5 लिख लिए थे, इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है फिर, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x y z किसी में भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देख रहे होगे तुम भी, कर रहा है क्या? कहीं भी नहीं कर रहा है तेरा आंसर, तो आंसर फाइनल ये वाला है, ये आंसर गलत है। हर किसी को लगे ना एग्जाम में आंसर ले आके कि डाउट हो रहा है अपने आंसर पे, तो अपना एक्स वाई का वैल्यू पुट करके LHS और RHS अपना सेटिस्फाई करा लेना, वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा तुम लोग को। अगर जैसे कोई भी, जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है और डाउट लगा है उसका आंसर पे, तो यही काम करोगे हमेशा, ठीक है? तीन लोग से बना, बाकी लोग अच्छा सब तो बना लिया, दीक्षा एक तेरा रह गया है। बन गया या ऐसे ही हाथ उठा दी? नहीं सर, बना है सर। बना ली, चलो फिर बढ़िया। चलो फिर क्वेश्चन लिखो, आज एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इस पे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, तुमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, x + y (10)/+y / 5 - 1 = 0 एंड दूसरा इक्वेशन है x + 8 + y / 6 = 15। ये फिर हेंस फाइंड लेमडा इफ y = λ (x + 5) बना, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे मूव करेंगे।
बन गया क्या सनी? सनी नहीं सर, अभी बस बनने वाला है। अच्छा, नहीं रेजेंट कर रखा था इसके। सर -6/17 लैम्डा का? हाँ -6/17 ठीक है, बाकियों को देख लेते हैं। इसका आंसर तो मुझे दिख रहा है x y divided by 10 plus y 5 minus 1 equals to 0 and x y 8 plus y 6 equals to 15। एक्स और वाई कितना आया सुजय? सर -1/2 हो सकता है लैम्डा। -1/2 आया तेरा? हाँ सर। अच्छा, झगड़ो तुम दोनों किसका सही है। सुजय एक्स और वाई का वैल्यू बोलो तो अपना। सुजय सर एक और बार कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा एक्स और वाई का देख लेना, जो वैल्यू तेरा आया ना एक्स और वाई का, वो वैल्यू पुट करके देख ले इक्वेशन में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहीं से तुम्हारा पता चल जाएगा आंसर सही लाए हुए नहीं। वाइट लेमडा का वैल्यू -1/2 है, ये इस राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लोग का देखो कितना आता है। सर -1/2 ही आ रहा। चलो ठीक है, तो वही आंसर सही है फिर। देखना सुजोय कहीं गड़बड़ किया है क्या। दीक्षा आ गया? Yes, sir. Okay. शुभम एंड प्रिया तुम दोनों बच रहे हो बस। हाँ सर आ गया। आ गया ठीक है। एंड एक मोहतरमा बची हुई है, आप जल्दी बनाइए। सर आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा। एग्जाम में करते रहना फिर यही काम। अभी मुहूर्त निकलेगा क्या इस क्वेश्चन के लिए? शुभ मुहूर्त निकाल के बनाना फिर और क्या। हाँ सुजोय गलती मिला क्या? सुजोय तो देख रहा है सर। अच्छा अभी देख ही रहा है, चलो कोई नहीं, बनाओ बनाओ फिर हम लोग अब मूव करेंगे तुम्हारा नेक्स्ट मेथड, that is cross multiplication method. चलो ठीक है बन गया। कहाँ गलती की प्रिया? सर तो हमें पता नहीं, यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड नहीं आ रहा था। अच्छा तो -170/340 करते तब से हम इसी में पूरा गलती कर रहे थे, पता नहीं ये नहीं आ रहा था तब से। ओके उपाय बता रखे हैं, कभी उस पे काम करके देखो। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
मल्टीप्लीकेशन. जैसे कोई भी दो इक्वेशन दे रखा है तुम्हारा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो. अगर इसको बोला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करने, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो सबको याद रखना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, फॉर्मूला याद करने का आसान सा तरीका, एक्स लिख लेना ऊपर, ठीक है, एक्स लिख के बस एक तरीका बता रहे हैं एग्जैक्टली. तुमको तो फॉर्मूला याद रखना है, इस वाले टर्म को हटाना, एक्स वाले टर्म को, वाई का कोफिशिएंट लिख डालो वी वन, ठीक है, वाई का कोफिशिएंट बी वन और उसके नीचे बी टू, फिर कॉन्स्टेंट टर्म सी वन एंड सी टू. जब हम वाई पे आएंगे तो वाई वाले टर्म्स को छिपा लो आगे, फिर क्या लिख देना, C1 C2 and A1 A2 and constant term के जगह one put करना, इस केस में A1 A2 B1 B2, ठीक है. अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए माइनस का साइन लगाते चले जाना, तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, X1 divided by B1 C2 माइनस का साइन, ठीक है, B1 C2 माइनस B2 C1 equals to Y divided by C1 A2 minus A1 C2 and lastly 1 divided by A1 B2 minus B1 A2. ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना. अब तुम यही तीन मेथड से तुमको सॉल्व करना सीखना है लीनियर इक्वेशन को, और एग्जाम में जो मेथड मेंशन करेगा उसी मेथड से बनाना. अगर मेथड मेंशन नहीं हुआ है तो आप इंडिपेंडेंट हो, किसी भी मेथड से क्वेश्चन बना सकते. कोई डाउट इस फॉर्मूला में, किसी को है डाउट? नो सर. नहीं है तो चलो क्वेश्चन बनाना शुरू करो. इस पे अब बेसिक क्वेश्चन नहीं देंगे तुम लोग को. एक चीज और ध्यान देना, कभी भी न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन, मतलब जिसमें नंबर दिया हुआ हो, ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मत करना. इन सब क्वेश्चन पे ज्यादा मेहनत करोगे. जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड दूसरा इक्वेशन एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू. तो जब भी ये इन तरीके का क्वेश्चन आए ना जिसमें अल्फाबेटिकल सम ज्यादा हो, ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस होना. न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना सकते हो, इतने इस तरीके का क्वेश्चन पे ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करेगा. और ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कोशिश करना बनाने का, वो थोड़ा इजी होगा. कभी भी अल्फाबेटिकल टर्म्स में तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं उसको ज्यादा आसानी से बनाना है तो सबसे बेस्ट मेथड उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही है. बाकी तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है जैसे बनाओ, बट कोशिश करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. चलो बनाओ इस क्वेश्चन को. अगर मेथड मेंशन नहीं है तब तो तुम ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही हमेशा सॉल्व करने का कोशिश करना. मेथड कर दिया होगा मेंशन तब थोड़ा दिक्कत करेगा, तो तुम लोग को भी दिमाग खपाना पड़ेगा. और ऐसा क्वेश्चन लगभग पिछले कुछ साल से नहीं आया है, बट तब भी बनाते रहना. ये एक एक्ट निकला है ना फॉर वेलफेयर ऑफ अ स्टूडेंट, पढ़ना जा करके. कुछ नाम अजीब सा है, उसमें बोला गया है कि हार्ड क्वेश्चन आप नहीं डाल सकते बोर्ड में, तो ये सब क्वेश्चन हटा दिया गया है, ठीक है. ये ऐसा क्वेश्चन आखिर 2010 में पूछा था, 2010 मेरे टाइम पे पूछा था, 2012 में, उसके बाद नहीं पूछा है. जिससे बनेगा आंसर बोलते चलेगा.
सर x equals to a square y equals to b square. रुक जा यार आंसर देखना पड़ेगा मुझे. x equals to a square and y equals to b square. हाँ ठीक है. Yes sir. चलो बढ़िया बनाओ, आराम से बनाओ. ये सब क्वेश्चन पे हम टाइम देंगे तुम लोग को और मैं ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादा कराने वाला हूँ. थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, कहीं कहीं आइडेंटिटीज भी यूज हो जाता है. तो एक क्वेश्चन और है, बहुत सही क्वेश्चन है ये भी देंगे अभी, पहले ये कर लो. अगर जिससे ये क्वेश्चन बन गया उसके लिए दूसरा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं. a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई इक्वल्स टू फोर ए बी. पहला कितने से बन गया? दो लोग से बना है. बाकी लोग बनाओ इसको पहला क्वेश्चन पे. फर्स्ट वन बताओ सनी, बना क्या पहला? नहीं बना रहा हूँ. बना दो. ठीक है बनाता हूँ. बनाओ. प्रिया जी बना रहे हैं. दीक्षा तुम ही पहला ही बना रही है क्या? दीक्षा यस सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था. तुम तो ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना, सारे कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना मत भूलना. ऐसे नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है. नहीं कांस्टेंट टर्म शिफ्ट कर ही लेना यार, रिस्क मत लेना. कभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन आए क्रॉस कांस्टेंट टर्म मींस जो तुम्हारा सी वाला टर्म है उसको शिफ्ट करना मत भूलना. क्या ये कंपलसरी है? क्या कोई बता सकता है कांस्टेंट टर्म? यस सर, नहीं तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूजन हो जाएगा. हाँ ठीक है, तो कोशिश करोगे हमेशा कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर ले, इसलिए शायद नहीं बन रहा होगा तुम लोग से. नहीं बनेगा क्वेश्चन, हम सॉल्व नहीं कर रही है सब, तुमको खुद ही बनाना है. क्वेश्चन मिलते जाएगा अपना बनाते चलना घर पे बैठ के. बन गया सनी से. चलो बढ़िया. दीक्षा एंड प्रिया घर पे ट्राई करना, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करो, ठंडे दिमाग से ट्राई करना. सेकंड बनाओ, सेकंड छोड़ दो उसको. कांस्टेंट टर्म हमेशा मूव कर लेना अपना लेफ्ट हैंड साइड में.
देखो एक चीज सिखा रहे हैं या ट्राई कर रहे हो तुम लोग, करो तो ट्राई करो, दो मिनट और दे रहे हैं, दो नहीं चार मिनट दे रहे हैं। चलो सेकेंड बनाना, फर्स्ट छोड़ देना। अब किसी से बना x का वैल्यू a प्लस b है। हाँ, और y का निकाल रहे हैं सर, y का चलो, बहुत टाइम ले लिया जी तू लोग। देखो एक हम जैसे हमें सिखाया गया था ना ऐसा क्वेश्चन आसान। हाँ सनी आ गया क्या? सनी, हेलो सनी। यस सर आ गया, यही आंसर है। चलो ठीक है। देखो हम लोग को ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना सिखाया गया था जब हम लोग अपने टाइम पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो पहला काम तो तुम इसको सिंपलेस्ट जैसे लिखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले में, उसमें लिखते चलो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो x डिवाइडेड by, पहले इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा a माइनस बी इंटू x प्लस a प्लस बी इंटू y माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एंड दूसरा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई
और माइनस फोर ए बी इक्वल टू जीरो। इसमें क्या कर रहे थे तुम लोग ये बताओ तुम? सनी क्या किया तुम? सनी हाँ सर, कैसे बनाया तुम? सर पहले वाले को a प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं किया, वो एलिमिनेशन यूज किया। एलिमिनेशन? हाँ, पहले वाले को a प्लस b से मल्टीप्लाई कर दिया था, x को एलिमिनेट कर दिया। चलो ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोशिश करना क्रॉस से बनाने का। हाँ, वो लंबा हो जा रहा था, क्रॉस से लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं ऐसे कर दिया। ओके, देखते हैं। देखो क्या करना, पहले तो फॉर्मूला तुम सबके दिमाग में होना चाहिए। तो x डिवाइडेड बाई ये वाले को छोड़ोगे, बच क्या गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, करेगा ना, तो a प्लस बी इंटू माइनस फोर ए बी, माइनस फोर ए बी याद रखेगा। एंड फिर माइनस का साइन, यहीं पर गड़बड़ करता है सब लोग, माइनस का साइन लगेगा और क्या क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान देना, माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट ध्यान देना यहाँ पे कहाँ कहाँ चेंज होगा। फिर से लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, माइनस हमारा क्या जाएगा, टू माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाइड होगा फिर, अरे ये a प्लस बी इंटू और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखना, हाँ ठीक है, ठीक ही लिख रहे थे, माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान देना यहाँ माइनस है, माइनस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, इसको फिर बंद करो, y डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा, y के टर्म में जब आओगे तो तुम्हारा वाई के क्या होता था, वाई में सी वन ए टू माइनस सी वन तुम्हारा क्या है, माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी माइनस और फोर ए बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई a माइनस बी और माइनस a माइनस बी एंड देन अगेन माइनस a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहे हैं हम। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो पूछेगा, ध्यान देना, माइनस प्लस का थोड़ा लफड़ा करेगा, उस चीज पे अच्छे से फोकस करोगे। यहाँ पे y का a2 a2 into b1 होना चाहिए ना? नहीं, अच्छा समझ गए, समझ गए, हाँ समझ गए। c1 a2 लिखे है ना, c1 into a2 minus a1 into, हाँ ठीक तो लिख रहे थे। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना ऐसा क्वेश्चन, तो क्या करना, टर्म बाय टर्म अलग से सॉल्व कर लेना। मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करना, x वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन अंडर x, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है बट ज्यादा चांस नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे, x डिवाइडेड बाई, हम लोग को ऐसे सिखाया थे तो गलतियां नहीं होती इन ऐसे क्वेश्चन में, सिंपली उसके अंडर वाले को यहाँ पे सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन अंडर x लिख लेना, अंडर x, ठीक है, जो x के नीचे आ रहा है। तो क्या करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, होगा कि नहीं, तो माइनस फोर ए बी
इनटू ए प्लस बी एंड माइनस, ये दोनों देखो, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस हो जाएगा पहले ही रिजल्ट, इस माइनस को हटा देते हैं एंड फाइनली लिख देते हैं माइनस ऑफ ए माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टू, यही था पूरा का पूरा टर्म, था कि नहीं? अब देखो फिर क्या करना, माइनस ए माइनस बी, इसको ब्रेक कर सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में और इंटू टू, यहां से देखो, समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस सर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा, हाँ देखना ध्यान देते चलना। अब क्या करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसलिए हटा दिया गया है, ऐसा बोर्ड में हम नहीं पूछेगा, बट एक मैंने दे दिया है। यहाँ से देखो a प्लस बी इंटू टू और यहाँ से भी कॉमन लेके देखो, तो टू इंटू ए प्लस बी अगर कॉमन ले लेगा तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ? माइनस में ही ले लो कॉमन, बढ़िया रहेगा। तो इस वाले टर्म में से क्या बच जाएगा, टू टू इंटू ए भी बच जाएगा कॉमन और प्लस माइनस टू ए भी कॉमन लिए, ध्यान देना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आया कुछ? तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा इसके एक्स के अंडर वाले का क्या बच गया, ये तुम्हारा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से 2ab और 2ab टर्म कैंसिल, तो बच क्या गया, माइनस 2a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से फिर सिंप्लीफाई कर लेना एक्सप्रेशन अंडर y वाले को, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर वहां से कुछ रिजल्ट आएगा, करके देखेगा तुम लोग घर पे, बोलो या बना दे जैसा बोलो तुम लोग, कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई। सर एक बता दीजिए सर, ये पूरा बता दे सर, एक एक्स का बता दीजिए और तो दूसरे ट्राई करें। एक्स आया ना जैसे ये, और इस वाले को सिंपलीफाई कर लेना कांस्टेंट टर्म वाले को, और फिर इन दोनों इक्वेशन को हमेशा एक देखो, इसमें करना क्या होगा तुमको आंसर निकालने के लिए, इस वाले इक्वेशन, इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को रिलेट करना होगा एक्स निकालने के लिए, और वाई निकालने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन को और ये वाले एक्सप्रेशन को रिलेट करना होता है, ठीक है? तभी एक्स और वाई निकलेगा, ठीक है? किसी को डाउट इसमें, कोशिश करना है ऐसा क्वेश्चन बनाने का, बट उतना इस पे बर्डन नहीं ले लेना है ऐसे क्वेश्चन पे कि ज्यादा कर ले, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है, बहुत साल से नहीं पूछ रहा है तुम लोगों से, ठीक है? तो बस थोड़ा थोड़ा ऐसा क्वेश्चन कभी मन किया बनाने का, थोड़ा जिसमें ज्यादा सोचना पड़ता है, तो ये सारा क्वेश्चन उसी तरीके का होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा सोच के तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है? किसी को कोई डाउट इसमें भी, फिर वैसे ही वाई को सॉल्व कर लेना इस पूरे टर्म को, और फिर आगे प्रोसीड करना और बनाते चलना इस क्वेश्चन को, अगर तुम्हारे पास टाइम रहता है तो ऐसा क्वेश्चन बनाना, नहीं तो एग्जाम में कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन को आखिरी में छोड़े, क्योंकि नहीं तो अगर इसको तुम स्टार्टिंग में बनाने लग जाएगा तो ये क्वेश्चन तुम्हारा स्टार्टिंग का ही टाइम खा जाएगा, और फिर आखिरी में जाते जाते प्रेशर तुम्हारे ऊपर ज्यादा हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें अल्फाबेटिकल स्ट्रम ज्यादा दिख रहा है, उस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट के लिए पेंडिंग करना, ठीक है? क्योंकि वो सुना है ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं याद आ रहा है एक डायलॉग, चलो कोई नहीं, ये ध्यान में रखना, ठीक है? किसी को डाउट कुछ भी? चलो एक छोटा सा इस पे रिजल्ट ध्यान देना, जैसे तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या आया था, x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1
इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई सी टू ए वन या सी वन ए टू सॉरी सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. तो x निकालने के लिए तुम ये वाला एक्सप्रेशन पहला और इस एक्सप्रेशन को करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा b1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. एंड y का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा तो a c1 y का एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है, किसी को डाउट यहां तक नहीं है ना? तो आप देखो एक रिजल्ट इसका ये ध्यान रखना जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुमसे पूछे, ठीक है, तो क्या करना अगर तुम्हारा केस फर्स्ट ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है. अगर a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक इनफाइनाइट या नो? सोच के बताओ. अगर a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो भी रहेगा उसका क्या सॉल्यूशन आएगा, यूनिक इनफाइनाइट या नो? सर यूनिक यूनिक यूनिक. बाकी लोग बताओ बताओ बताओ, मौका दे रहे हैं. इसी को सॉल्व कर देंगे तो फिर वही हो जाएगा ना, a1 by a2 equals to b1 by b2. यूनिक सॉल्यूशन पक्का? सोच के आना ये चीज़ पे. सोचेगा? चलो ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, सोचने की जरूरत. अगर दोनों a1 by b a1 b2 minus a2 b1 ये equals to zero हो जाता है तो तब क्या करोगे? सर नो सॉल्यूशन. हाँ सर नो सॉल्यूशन. इसमें तो नो सॉल्यूशन दिख रहा होगा क्योंकि x not define हो जाएगा, क्योंकि x equals to क्या आ जाएगा, finite value ऊपर आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऊपर आएगा बट डिवाइडेड बाय जीरो. इस केस में सॉल्यूशन निकलेगा क्या? और वाई के सिचुएशन में भी ऊपर कुछ ना कुछ टर्म आएगा, फिक्स टर्म आएगा, और जो किससे डिवाइड हो जाएगा, जीरो से. तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? तो नो सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? पहला वाला तुम लोग सोच के आएगा, तुम लोग के लिए होमवर्क है, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, थोड़ा अच्छे से रिसर्च करना है इस पे. एक दिन का मौका है, इसे सोच के आना, यूनिक रिजल्ट यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा. समझा? ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट होमवर्क रहेगा. एक ऐसे तुम्हारे एक पैकेज में आई थिंक ये दिया होना चाहिए, तो मैं पैकेज का पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से भी देख के समझ सकता है. बट कोशिश करना एक बार खुद से सोचने का, नहीं अगर समझ में आएगा तो पैकेज में ये थियरी दिया है उनको जहां तक याद है, तो वहां से जाके देख लेना कि आखिरकार इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. हम तुमको भेज देंगे सुजो, तुम्हें पैकेज नहीं मिलेगा उस टाइम का. ठीक है, तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तीन मेथड. आगे एक जो मेथड है वो होता है ग्राफिकल मेथड, जिसके बारे में तुम लोग पहले से पढ़ रखा होगा, पढ़े हो ना? अगर दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट किया तो उस सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. अगर दोनों लाइन तुम्हारा पैरेलल निकल गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा? नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर गया तो मेनी सॉल्यूशन. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो ध्यान रखना इस पे हम क्वेश्चन उतना नहीं कराएंगे तुम लोग को, उतना कर लेना खुद से. एक तो तुम्हारे पास एग्जाम में हर चीज मेथड मेंशन करेगा,
क्या मेंशन कर सकता है पहला पॉइंट, तो तुमसे वो तीनों मेथड में से कोई मेथड दे देगा कि इन तीनों में से कोई एक मेथड से बनाओ, या दूसरा अगर तुमको बोल दिया कि ग्राफिकल मेथड से बनाओ तो फिर ग्राफिकल मेथड से बनाना, सबको ग्राफ बनाने आता ही है, अपना ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बना के देख लेना, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो लिख देना यूनिक सॉल्यूशन, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आएगा, उस इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन निकल के आएगा। और फिर तो अगर पैरेलल आ गया दोनों का ग्राफ तो नो सॉल्यूशन लिख देना, अगर एक दूसरे के ऊपर वो दोनों ग्राफ क्या कर जाए लाइन कंसाइड कर जाए तो फिर क्या लिख देना मेनी सॉल्यूशन लिख देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस चैप्टर का लेखा जोखा था। अगले क्लास में हम इससे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट तुम्हारा। हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएं इस चैप्टर में क्योंकि तुम लोग को आता होगा इस चैप्टर की, यह चैप्टर अच्छे से, इतना सोचते हुए हम इस चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। फिर अगले क्लास में वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और उसमें वर्ड प्रॉब्लम में भी तुम लोग को आई थिंक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, इन सब क्वेश्चन पे पकड़ ये होना चाहिए, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए नंबर पे, फ्रैक्शन पे, डिजिट्स वाले पे, एजेस पे, इन सब पे एकदम अच्छे से आना चाहिए तुम लोग को। हम तुम लोग को ज्यादातर क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, डिस्टेंस का क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे। ठीक है, तो इतना ये चैप्टर एक तरीके से समझो तो फुल्ली तुम लोग के ऊपर ही छोड़ रखे हैं, हम अपने तरफ से इस पे कोई मेहनत नहीं कर रहे ज्यादा, ताकि ये खत्म कर लो तुम भी, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए कि कोई कॉन्सेप्ट अगर रह गया हो तो बोलना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बोलो। नो सर, आसान चैप्टर है ना, किसी को डाउट नहीं हो रहा है ना इस चैप्टर में कहीं भी। ठीक है, तो फिर अपना अगले क्लास में हम लोग इसे मूव करेंगे तुम्हारा वही बट प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे, तो ये सब खुद से बनाना। अभी 10-15 मिनट है तो एक दो क्वेश्चन और देते हैं, करते चलो तुम लोग। ये चीज देख के आओगे ये वाले सिचुएशन में यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, होगा इनफाइनाइट आंसर इसका, देखते ना क्यों होगा इनफाइनाइट, थोड़ा सोचना। और उस दिन मैंने ग्राफ पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बता दिया था ना, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो बताए थे क्या? यस सर। अच्छा, हाँ ठीक है, डिस्टेंस क्या बता दिए थे फॉर्मूला में, हम याद रखना दोनों कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस यानी C1 माइनस C2 या तो C2 माइनस C1 करो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा हुआ है, वो अंदर के रिजल्ट को हमेशा क्या कर देगा पॉजिटिव बना देगा, और नीचे डिवाइडेड बाई a² + b² ये फॉर्मूला याद रखने बोले थे। ठीक है, समझ में आया सबको, फॉर्मूला याद रखना। और अगर तुम्हारा इक्वेशन मतलब जैसे उस दिन एक क्वेश्चन हम क्या कराए थे, जैसे कुछ भी हम क्वेश्चन ले ले रहे हैं 4x + 8y + 12 = 0 एंड 8x + 16y + 24 = 0 ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा तो इसका डिस्टेंस निकालो। तो तुम लोग पहले मैंने बोला था ना इस वाले इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेने, ऐसा कुछ बोले थे, बनाओ एक बार। सर ये सब बताए थे, बनाओ बनाओ इसको बनाओ। ये तो कंसाइड कर जाएगा ना, ये पैरेलल लाइन थोड़ी है, ये दोनों ओवरलैप करेगा, यहाँ पे टर्म चेंज कर लेना कुछ भी, यहाँ 24 है यहाँ पे तुम कुछ भी लिख लो 36 लिख लो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जब यहाँ पे 8x होगा, तो मैंने बोला था क्या कि इसको सिंपलीफाई कर लेना, मतलब कोफिशियंट ऑफ x और कोफिशियंट y को एक करते हुए चल जाना, तो यहाँ जैसे ही 4 कॉमन लेगा या 2 कॉमन ले लेना तभी तुम्हारा 4x + 8y और ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन लेगो तो ये 18 हो जाएगा = 0, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकाल लेना सब कुछ। ठीक है, एक फॉर्मूला ये तो डिस्कस कर दिए थे, ये सब ध्यान में रखना अपना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ होमवर्क कर लेना तुम लोग अपने से, होमवर्क क्या करेगा बनाते रहो इसके क्वेश्चन को, अच्छा रहेगा खुद से बनाते रहो, जितना ज्यादा बनाएगा उतना बेटर होगा।
इसका ओलंपियाड एक्सरसाइज बना के आना तुम्हें, बेसिक तो तू लोग बना ही लेगा ना, आया ना बोलो तुम लोग, जैसा बेसिक तुम लोग बना लोगे ना, हाँ सर बेसिक क्वेश्चन आता है तो उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बना के देखना इसका ओलंपियाड एक्सरसाइज जो 5 नंबर दे रखा है उसमें भी वैसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिया, बट बनाना इसको ठीक है, सब कोई बनाना ओलंपियाड वाले एक्सरसाइज, क्योंकि बाकी बेसिक क्वेश्चन में तुम लोग कमांड कर रखे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम पैकेज भेज देंगे जिसके पास नहीं है, एक्सरसाइज नंबर 5 बना के देखना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, हम लोग मूव करेंगे हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ये एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, और ये चीज देख क्या होगी क्यों इस पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर दिक्कत होगा तो अपना पैकेज में मुझे जहां तक याद है उसमें दिया होना चाहिए, और उसमें एक्सरसाइज 4 या 5 तुम्हारा उससे रिलेटेड है ओलंपियाड से, तो वो भी देख लेना, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे कौन सा एक्सरसाइज ओलंपियाड का, तो वहां भी जाके देख लेना, ओलंपियाड वाला ही बनाना, बेसिक क्वेश्चन अगर बनाना है तो एनसीईआरटी से बनाना बहुत रहेगा, एनसीईआरटी और आगे सवाल बना जाना अपना काफी है तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास तुम लोग का परसों है, ठीक है बाय।